लाहौर में मीडिया के साथ बातचीत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के सरबराह सफदर अब्बासी ने कहा, एहतसाब का अमल सबके लिए होना चाहिए। सिंध में 10 साल से लूट खसूट का अमल जारी है, वहाँ भी एहतसाब जरूरी है। एहतसाब के अमल को इदारों की तरफ भी बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम के बाद ये एक मौका पैदा हुआ है कि इस एहतसाब के अमल को बढ़ाया जाए, न सिर्फ सियासतदानों तक बल्कि ब्यूरोक्रेट्स तक भी। FIA, NAB, SECP, स्टेट बैंक, ये जितने भी इदारे, इनकी तरफ जो भी एहतसाबी अमल उसको बढ़ाया जाए। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स की रहनुमा नाहिद खान ने कहा, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ना अहल किया है, वो फैसला खुले दिल से कबूल करें, इदारों को धमकियां ना दें। इंस्टीट्यूशंस को धमकियां देने का जो सिलसिला है कि मैं बहुत सारे राज खोलूंगा या मैं बहुत सारी ये बातें करूंगा, मैं समझती हूं कि ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इज्जत नहीं देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के रहनुमाओं ने कहा कि खवातीन की इज्जत होनी चाहिए, ऐसे हालात पैदा ना करें कि लोग अपनी माँ बहनों को बाहर ना आने दें। कैमरामैन आसिफ जावेद के साथ मियां शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर।